सब्सक्राइब करें आरआर फैशन पॉइंट चैनल को जो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आरआर फैशन पॉइंट। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डबल लेयर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। प्रिंटेड फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया है। इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। चोली की लेंथ है 14, चेस्ट है 36, वेस्ट है 30 और घेरे की लेंथ है मेरी 39। अब पहले हम इस फैब्रिक से नीचे घेरे की कटिंग करेंगे। इसमें जो घेर की लेंथ है उसमें प्लस 10 इंचेस करना है और इस फैब्रिक को हमें इस तरह से डबल फोल्ड लेना है। अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से कोन शेप में लपेट लेना है। अब यहाँ से हमारे वेस्ट की कटिंग होगी। अब यहाँ पे हम वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। जो मेरी मेज़रमेंट में है 30, तो उसका 1/4, 7.5 पे इस तरह से हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई वाला शेप देके उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करके यहाँ वेस्ट लाइन से हमें घेर की लेंथ को मेज़र करना है। जो मेरी मेज़रमेंट में है 39, उसमें प्लस 1 इंच सीम अलाउंस के लिए लूँगी। इस तरह पूरे शेप में हमें 40 पे मार्क करना है। और इस तरह से शेप देके इसको भी यहाँ से कट कर लेना है। अब यहाँ घेर में जो हमारा जॉइंट आएगा उस जॉइंट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम चोली की कटिंग करेंगे जिसको मैंने डबल फोल्ड लिया है। अब चोली की लेंथ है मेरी 14, उसमें प्लस 1 इंच लेंगे सीम अलाउंस के लिए। ये 15 पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से शोल्डर लाइन पे मार्क करेंगे। जो मेरी मेज़रमेंट में है 7, ये 7 इंच पे मार्क करके 1/2 इंच ड्रॉप लेंगे और फिर यहाँ आर्म राउंड के लिए मार्क करेंगे। यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। जो मेज़र के हिसाब से 1/4 लेंगे और प्लस सीम अलाउंस लेंगे। वेस्ट लाइन पे भी सेम उसी तरह से मार्क करना है। यहाँ पे आर्म राउंड का शेप दे देंगे। अब चोली की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ 1 इंच तक हमें इस तरह से गोलाई वाला शेप देना है और उसकी भी कटिंग कर लेनी है। नेट को भी मैंने उसी तरह से कट कर लिया है। यहाँ पे चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई में 4.5 इंच पे मार्क करेंगे।
और यहाँ राउंड शेप देख के राउंड नेक की कटिंग कर लेंगे। अब नेट में भी फ्रंट पोर्शन में हम नेक की शेप देंगे। यहाँ पे भी सेम हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई में 12 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ हमें वी शेप बनाना है। इस तरह शेप देके इनको कट कर लेना है। ये हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है। आपको अपनी मेज़र के हिसाब से स्लीव्स को कट करना है। अब बैक पोर्शन में नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे सेम चौड़ाई में 3 इंच रखना है और लंबाई में मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह गोलाई वाला शेप देके कटिंग कर लेनी है। अब नेट के बैक पोर्शन को भी इसके ऊपर रखकर इस तरह से 1/2 इंच कम कट करेंगे। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। पहले हमें शोल्डर लाइन को अटैच करना है। शोल्डर लाइन अटैच होने के बाद ये पूरे नेक पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। हमें बैक नेक से स्टार्ट करना है। इस तरह से पूरे में इस तरह से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरह पाइपिंग अटैच होने के बाद हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और स्टिच कर देंगे। नेक पर पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर हम आर्म राउंड में भी पूरे में पाइपिंग को अटैच करेंगे। यहाँ आर्म राउंड पे मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है और यहाँ पे अपनी मेज़र के हिसाब से आपको मार्क करना है। चोली की स्टिचिंग के बाद अब हम घेर को स्टिच करेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन से यहाँ साइड को हम पहले स्टिच कर देंगे। मार्किंग के बाद ये दोनों साइड स्टिच करके हमें बंद कर लेना है। घेरे में ये स्टिच के बाद अब वेस्ट लाइन पे हम ये चोली को अटैच करेंगे। ये दोनों साइड्स को हमें एक साथ मिलाते हुए अटैच करना है। इस तरह घेरे को अटैच करेंगे चोली के साथ और यहाँ पे जो हमारा सीम अलाउंस आता है एक्स्ट्रा, इसको इस तरह से हमें अंदर फोल्ड करके फिर स्टिच करना है। पर लेयर कुर्ती का इनर हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम जैकेट स्टिच करेंगे, जिसके लिए हमें ये थिन डोरी चाहिए जो हम पहले से रेडी करके रखेंगे। और ये करीब 1.5 इंच चौड़ी
और एक पट्टी चाहिए। जैकेट में हम पहले यहाँ से शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। शोल्डर लाइन अटैच होने के बाद अब हम ये घेर में यहाँ साइड से स्टिच करेंगे और यहाँ सेंटर में एक कट लगा देंगे। इस तरह घेरे को अच्छी तरह से बिछा के सेंटर में से हम एक कट लगा देंगे। स्लीव्स को मैंने नीचे से इस तरह पट्टी लगा के रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव्स को चोली में अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच होने के बाद चोली में हम बैक पोर्शन में इस तरह से अपनी मेज़र के हिसाब से मार्क कर देंगे। चोली स्टिच के बाद अब घेरे में यहाँ पे जो हमने सेंटर में कट लगाया है वहाँ से जो चोली का फ्रंट ओपन है उसको अटैच कर पूरे में स्टिच करेंगे। चोली और घेर को अटैच करने के बाद यहाँ नेकलाइन से हमें 6 इंच तक नीचे इस तरह से मार्क करना है। अब यहाँ पूरे जैकेट में इस उरे पट्टी को हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये जैकेट को मैंने सीधा रखा है और उसके नीचे की साइड ये उरे पट्टी को रखा है। यहाँ पे जो हमने 6 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हम लूप्स लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह मार्क करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेंगे तो लूप्स लगाने में आसानी होगी। इस मार्क से ऊपर नेक तक हमें लूप्स को अटैच करना है। लूप्स को अटैच करके ये उरे पट्टी को हम पूरे जैकेट में अटैच करेंगे। पूरे जैकेट में ये एक तरफ से उरे पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। पहले हम ये किनारे पे स्टिच कर देंगे। किनारे पे स्टिच के बाद दूसरी साइड भी हम स्टिच कर देंगे।
ये मेरी डबल लेयर कुर्ती रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।